क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रनगर कॉलोनी में संजू धनगर के किराना की दुकान और मकान में लगभग सुबह 4:30 और 5 बजे के बीच शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जिससे घर में रखा सामान और किराना की दुकान में रखा सामान जल गया है। इसके साथ ही जो संजय धनगर की दादी हैं रोरीबाई पत्नी पन्नालाल धनगर की भी दम घुटने से मृत्यु हुई है, जिसका अभी पीएम करा लिया गया है। कितनी दुकानों में नुकसान पहुंचा है मैम, और कितने घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था? ये संजय धनगर के बगल में उसके भाई विष्णु धनगर की दुकान है, उसमें भी नुकसान हुआ है। और ये 4:30-5 के बीच में ये आग लगी थी, जिसमें हमारा फोर्स राजगढ़ चौराहे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही गश्त के दौरान वहीं खड़ा हुआ था। तुरंत ही सूचना मिलते ही फोर्स वहाँ पर पहुँच गया, मैं स्वयं वहाँ घटनास्थल पर पहुँची और 10 मिनट के अंदर हमने फायर ब्रिगेड बुलवा ली, जिसपे आग पे काबू पा लिया। इसके साथ ही हमने राजगढ़ फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया था, आग पे हमने 10-15 मिनट में आग पे काबू पा लिया। लगभग नुकसान बताया गया? अभी नुकसान का भी पूरी तरीके से आकलन नहीं किया है, अभी इसमें जांच चल रही है। थाने पर आगजनी और अलग से मार्ग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें भी जांच जारी है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करें। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रनगर कॉलोनी में संजू धनगर के किराना की दुकान और मकान में लगभग सुबह 4:30 और 5 बजे के बीच शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जिससे घर में रखा सामान और किराना की दुकान में रखा सामान जल गया है। इसके साथ ही जो संजय धनगर की दादी हैं रोरीबाई पत्नी पन्नालाल धनगर की भी दम घुटने से मृत्यु हुई है, जिसका अभी पीएम करा लिया गया है। कितनी दुकानों में नुकसान पहुंचा है मैम, और कितने घंटे में आग पर काबू पा लिया गया था? ये संजय धनगर के बगल में उसके भाई विष्णु धनगर की दुकान है, उसमें भी नुकसान हुआ है। और ये 4:30-5 के बीच में ये आग लगी थी, जिसमें हमारा फोर्स राजगढ़ चौराहे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही गश्त के दौरान वहीं खड़ा हुआ था। तुरंत ही सूचना मिलते ही फोर्स वहाँ पर पहुँच गया, मैं स्वयं वहाँ घटनास्थल पर पहुँची और 10 मिनट के अंदर हमने फायर ब्रिगेड बुलवा ली, जिसपे आग पे काबू पा लिया। इसके साथ ही हमने राजगढ़ फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया था, आग पे हमने 10-15 मिनट में आग पे काबू पा लिया। लगभग नुकसान बताया गया? अभी नुकसान का भी पूरी तरीके से आकलन नहीं किया है, अभी इसमें जांच चल रही है। थाने पर आगजनी और अलग से मार्ग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें भी जांच जारी है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करें। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का।